रोटेशनल मोशन के अंदर पहला क्वेश्चन एक स्टूडेंट जो पूछता है वो ये पूछता है कि सर हमने सर्कुलर मोशन तो कर तो लिया था, हमने लगाए थे 10 दिन सर्कुलर मोशन में, तो फिर ये रोटेशनल मोशन की जरूरत कैसे हो गई? सर्कुलर मोशन में भी बॉडी गोल घूम रही है, रोटेशनल मोशन में भी टायर गोल घूम रहा है, तो फिर बात तो एक ही हो गई, एक नहीं हुई। सर्कुलर मोशन के अंदर चाहे ट्रक घूमा उसका मास मैंने बोला एम है, पॉइंट मास है, कार घूमी हमने कहा एम मास है, पत्थर घूमा हमने बोला एम मास है, इंसेक्ट घूमा हमने बोला एम मास है, लेकिन रियलिटी में थोड़ी ना होता है। टायर घूमा बात अलग है, स्फीयर घूमा बात अलग है, डिस्क घूमी बात अलग है, रिंग घूमी बात एक्चुअल में अलग है। तुम इसी बात से अंदाजा लगा लो, अगर तुम 10 मीटर का इंक्लाइंड प्लेन ले लो और 15-15 केजी की डिस्क ले लो, 15 केजी का स्फीयर ले लो, 15 केजी की रिंग ले लो, 15 केजी की डिस्क ले लो, सिलेंडर ले लो 15 केजी का, और तीनों को छोड़ दो, चारों को छोड़ दो रोल करने के लिए, चारों बराबर पहुंचेंगे नहीं नीचे। कोई तेज नीचे आ रहा है रोल करता हुआ, कोई स्लो आ रहा है, कोई और स्लो, कोई और स्लो। इसका मतलब एक चीज मैटर करती है और वो है शेप। तो शेप कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीजों को घुमाने में, नहीं तो टायर की शेप टायर जैसी की होती, बॉल्स ना लगा देते फेयर्स की, उसके ऊपर कार घूमती, क्या दिक्कत है अगर एक ही बात होती तो? ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेप मैटर करती है। तो यहां पे हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, घूमने का काइनेमेटिक्स तो पढ़ेंगे जो सर्कुलर में पड़ा हुआ है, लेकिन इस बार शेप के साथ पढ़ेंगे, ठीक है यहां तक? तो रोटेशनल मोशन की स्टार्टिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे सर्कुलर मोशन की है। सर्कुलर यहीं से तो स्टार्ट हुआ था कि जो काम एक्स करता था लीनियर में वो एंगुलर में थीटा करेगा, जो काम वी करेगा वो रोटेशनल में ओमेगा करेगा, जो ए करेगा वो अल्फा करेगा, ए डी वी बाई डी टी है, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी है। और टाइप ऑफ मोशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है एस इज इक्वल टू वी टी, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ऐसे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बिल्कुल सेम चार्ट बना रखा है जो सर्कुलर का था, मतलब वो कॉन्सेप्ट तो इस चैप्टर में लगेंगे ही लगेंगे, यूज होते रहेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। दूसरा पॉइंट, ये टॉपिक जो स्टार्ट है वो मोमेंट ऑफ फोर्स से स्टार्ट है या फिर टॉर्क से स्टार्ट है। कोई भी बॉडी अगर घूमेगी, चाहे वो टायर रोटेट करे, चाहे वो फैन रोटेट करे, चाहे वो स्फीयर रोल करे, कोई भी, उसमें टॉर्क जनरेट होगा ही होगा, बिना टॉर्क के बॉडी घूम नहीं सकती। पर एक स्टूडेंट बोला कि नहीं सर ये ज़रूरी नहीं है, आपको ऐसा बोलना चाहिए किसी भी बॉडी को घुमाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है, बिना फोर्स के बॉडी घूम नहीं सकती। मैंने कहा हाँ सही बोला, बिना फोर्स के बॉडी घूमेगी नहीं, जब तक तुम फोर्स नहीं लगाओगे बॉडी कभी घूम नहीं सकती। तो फिर टॉर्क की क्या जरूरत पड़ गई? फिर टॉर्क, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बॉडी अगर घूमती है तो उसमें टॉर्क चाहिए, टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क बोला जाता है, फोर्स भी तो बोल सकते थे। देखो तो मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, मैंने कहा देख इस पे ना फोर्स लगा, इसको घुमा के दिखा। तो उसने फोर्स को लगाया और देखो उसने बॉडी को घुमाया, मैंने कहा हाँ बॉडी घूमे। मैंने दूसरे को बुलाया, मैंने कहा तू भी फोर्स लगा, फोर्स लगा रहा है पर बॉडी तो घूम नहीं रही। इसका मतलब तुमने फोर्स कैसे लगाई इस पे डिपेंड करता है कि बॉडी घूमेगी कि नहीं घूमेगी, अकेली फोर्स लगाने से कुछ ना होगा। तुम कहाँ फोर्स लगाते हो और कैसे फोर्स लगाते हो उससे बॉडी घूमना स्टार्ट करेगी। इसीलिए जब तुम फोर्स लगाते हो और बॉडी टर्न करती है तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अकेला फोर्स वर्ड क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम फोर्स कैसे भी लगानी शुरू कर दोगे तो बॉडी नहीं घूमेगी, फोर्स को सही डायरेक्शन में लगाना जरूरी है तभी बॉडी घूमेगी, नहीं तो बॉडी नहीं घूम सकती। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? और टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक। अब एक काम करो, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के अंदर अब कॉपी ओपन करो और लिखो टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो लिखो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर दूसरा नाम टॉर्क। टॉर्क का सिंबल होता है ये टाउ, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क वेक्टर, ये सिंबल है इसका।
तो इसके लिए एक काम करो, इसके लिए इमेजिन करो आपके पास ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसका एक्सेस है, एक बॉडी है जिसका एक्सेस है। जब मैं बोलता हूँ एक्सेस, एक्सेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में। एक्सेस क्या होता है और एक्सेस कैसे निकलता है? इमेजिन करो, इमेजिन करो, नहीं वो डिपेंड करता है बॉडी घूम कैसे रही है, जरूरी नहीं कि सेंटर से निकलता है। ये देखो, अगर आपकी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे, तो एक्सेस कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर से, ये इसका एक्सेस है। ध्यान से देख लो सारे, ये इसका एक्सेस है, राइट? अगर ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो अलॉन्ग डायमीटर इसका एक्सेस है, सही है? डायमीटर एक्सेस हो जाएगा अब इसका, ऐसे पास हो रहा है। अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है कि मैंने इसको एक फेविकोल के साथ चिपका दिया और पंखे की तरह घुमाना शुरू किया ऐसे, तो ये पेन इसका एक्सेस बन जाएगा। ये देखो, ये इसका एक्सेस है, टेंजेंट एक्सेस है। अगर मैंने इसको दीवार से टांग दिया एक कील के साथ और इसको ऐसे झूला झूला दिया ऐसे, तो एक्सिस ये पेन बन जाएगा आपकी तरफ। ये देखो, इसका एक्सिस है, यानी कि बॉडी कैसे घूमती है उसके ऊपर एक्सिस चेंज होता रहता है, और एक्सिस चेंज होने से हमारे रोटेशनल मोशन के अंदर रिजल्ट्स चेंज होते हैं। तो इसलिए एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब आने वाले टाइम में हम उससे पूछोगे, सर एक्सिस क्या है? क्योंकि एक्सिस चेंज करने से आंसर आपके सारे चेंज हो सकते हैं। यही सिखाना है आपको इस चैप्टर में। तो लेकिन अभी मान लो एक बॉडी रोटेट कर रही है, क्या रोटेट रोटेट तो बाद में करेगी, पहले मैं फोर्स तो लगाऊं तभी इसमें टॉर्क जनरेट होगा। तो इमेजिन करो कि मैंने इसके ऊपर एक, मान लो इसका सेंटर है, ये सेंटर से आर वेक्टर है, सेंटर से आर वेक्टर है, ठीक? तो इस सेंटर से आर वेक्टर पे मैंने एक फोर्स को अप्लाई किया। मैंने क्या फोर्स अप्लाई की? मैंने एफ फोर्स अप्लाई की, लेकिन मेरी मर्जी, मैंने टेंजेंशियल अप्लाई नहीं की, थोड़ा टेढ़ी अप्लाई कर दी। मेरी मर्जी, मैंने बोला ना मैं फोर्स कैसे भी अप्लाई करूँ, मैं जरूरी थोड़ी नहीं है ऐसी अप्लाई करूँगा, मैं ऐसे अप्लाई कर देता हूँ ऐसे, तो मैं फोर्स को ऐसे अप्लाई कर देता हूँ, या ऐसे अप्लाई करूँ या ऐसे अप्लाई करूँ, मेरी मर्जी। तो मैंने फोर्स वेक्टर यहाँ पर रख दिया। अब ये फोर्स वेक्टर जहाँ पर मैंने अप्लाई किया, इसके सेंटर एक्सिस से, सेंटर से ये एक डिस्टेंस है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर वो डिस्टेंस है जो सेंटर और जहाँ फोर्स लगी उनको ज्वाइन करता है। तो इसके अंदर अगर आप इस आर वेक्टर को आगे थोड़ा एक्सटेंड कर लें, एक्सटेंड कर लें, और इमेजिन कर लें एफ वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा, तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला नोट करें, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट टॉर्क वेक्टर। तो टॉर्क वेक्टर का ये फॉर्मूला नोट करें, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और अगर हम इसे ओपन करें तो आर एफ क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एंगल बिटवीन आर एंड एफ जो कि वहां पर कितना है, साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, टॉर्क वेक्टर आर एफ साइन थीटा। इसके जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स होते हैं फोर्स का मतलब न्यूटन और आर का मतलब मीटर, टॉर्क न्यूटन मीटर है, सही है? यहां तक आर वेक्टर सेंटर से लेके जहां फोर्स अप्लाई किया वो आर वेक्टर है। हाँ, डिस्टेंस ही है फिर वो, हाँ वेक्टर फॉर्म लिया जाता है इसमें, क्योंकि फोर्स तुम जहां अप्लाई कर रहे हो वो आर वेक्टर वहीं शिफ्ट हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर उसकी पोजीशन चेंज कर देगा। क्लियर है यहां तक? जैसे अगर मैं फोर्स यहां अप्लाई करूंगा आर वेक्टर इधर को चला जाएगा, वो वेक्टर बोलना पड़ेगा। क्लियर है? अब स्पेशल केस है, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, जीरो, तो टॉर्क की वैल्यू इसमें क्या आएगी, आर एफ साइन जीरो, आंसर क्या आएगा, जीरो। और अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, आर एफ साइन 90, यानी कि आर इंटू एफ, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क आएगा, मैक्सिमम टॉर्क आएगा। तभी तो बोलते हैं कि अगर आप किसी भी बॉडी को घुमाना चाहते हैं तो फोर्स हमेशा टेंजेंशियल लगाएं, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स लगाने का मतलब, टेंजेंशियल
टेंजेंशियल फोर्स लगाने का मतलब आर और एफ में एंगल क्या बनेगा 90, आर और एफ में एंगल कितना है 90। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है यहाँ तक? तो अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क क्या आएगा? मैक्सिमम। और अगर फोर्स की डायरेक्शन में आर होगा तो फिर टॉर्क जनरेट नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है कि टॉर्क की वैल्यू कैसे निकल रही है इसमें? ठीक है, अब टॉर्क की प्रॉब्लम कैसे करनी है? और टॉर्क निकालने का शॉर्टकट क्या है इसको देखते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करो, नेक्स्ट अगली फिगर बनाओ। इसमें सपोज आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये लो एक्स वाई एक्सिस है। मान लो यहां से ये आर वेक्टर है, ये ओ पॉइंट है, और इमेजिन करो कि कोई बॉडी किस में घूम रही है, इन अ सर्कल। कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो ये सेंटर है उसका और ये पोजीशन है उसकी आर वेक्टर। ये वो पोजीशन है जहां पर मैं एफ वेक्टर लगाने वाला हूं, तो ये आपके पास है एफ वेक्टर, ये मैंने लगा दिया एफ वेक्टर, ये रहा। ठीक है, अब एफ वेक्टर को अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाऊं ऐसे, तो ये एंगल क्या बनाएगा? या एक काम करो, पीछे की तरफ लेके गया मैं ऐसे, और इसको आर वेक्टर को मैं आगे ले गया ऐसे, सेम डायग्राम है जो पीछे बनाया था। और सपोज आर और एफ में एंगल क्या बनेगा? थीटा। सेम डायग्राम है, कोई फर्क नहीं, ये आर वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, और ये आर और एफ के बीच में एंगल थीटा। तो मुझे पता है कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड यहां पर क्या आएगा, आर एफ साइन ऑफ थीटा, आर एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो क्या आ गया? आर एफ साइन थीटा। अब आगे देखो, एक काम करना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। अगर मैं इस एफ वेक्टर को पीछे ले जाऊं, जैसे मैं पीछे की तरफ ले गया ऐसे, और ओ पॉइंट के साथ यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री, सच दैट ओ पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी। बनाओ डायग्राम डी। तो एफ में ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? डी। और ओ एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, एक्सिस ओ में से पास कर रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे 90 डिग्री बन गया। तो अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट से एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। सही है यहां तक? तो अब ये बताओ, टॉर्क की वैल्यू में मैं साइन थीटा को क्या पुट कर सकता हूं? साइन थीटा इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय आर। साइन थीटा को डी बाय आर पुट कर दिया, साइन थीटा डी बाय आर में ये कैंसिल हो गया और आपके पास एक शॉर्टकट बन गया, टॉर्क का फॉर्मूला बन गया फोर्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ये एक शॉर्टकट बन गया। ये शॉर्टकट लगाना कैसे अभी समझाता हूं। तो आपके पास टॉर्क निकालने के अब दो तरीके हैं।
या तो आपको आर पता हो या एफ पता हो और थीटा पता हो तो भी टॉर्क आ जाएगा। और अगर आर एफ नहीं पता, सिर्फ एफ पता है, और एफ का डिस्टेंस इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको टॉर्क निकालना है, आपको टॉर्क का एक्सिस हमेशा गिवन होगा कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो अगर ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है तो सोर्स और ओ पॉइंट का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मालूम है, एफ इंटू डी कर देना, सीधा टॉर्क आएगा। लेकिन इसको लगाना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो आएगी कैसे। बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं करेंगे हम, ये सब जो एक्चुअल तरीका वो यही है, पर प्रैक्टिकली जब हम करते हैं ये करना बहुत मुश्किल है, लंबा काम हो जाता है। तो हम एक शॉर्टकट निकालेंगे, ये शॉर्टकट जो हम निकाल चुके हैं इसको लगाना कैसे, बस ये सीखना है। तो यहाँ तक ये थ्योरी नोट कर ली, अब लगाना कैसे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे आपको पेपर में ये गिवन होगा कि सपोज आपके पास ये एग्जाम्पल नोट करो, हाउ टू अप्लाई दिस टॉर्क। तो आपको ये गिवन होगा कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है और जिसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ एफ एफ, और इस पार्टिकल का डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कांस्टेंट रहेगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन है डी डी ठीक डी। एक पॉइंट है ओ, ये ओरिजिन एक पॉइंट है ओ, क्वेश्चन है फाइंड टॉर्क टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ। ये जरूर गिवन होगा कि आपको किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, ये हमेशा गिवन होता है, किसके अबाउट टॉर्क निकालना है, आपने किसके अबाउट निकालना है, अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, इसका पहला तरीका सुनो। पहले हम लिखते हैं मेथड नंबर वन, लिखो मेथड नंबर वन जो एक्चुअल तरीका है। मेथड नंबर वन के अंदर आपको देखो क्या करना है, आपको टॉर्क कहाँ निकालना है, अबाउट पॉइंट ओ, यानी कि एक्सिस आपका ओ एक तरीके से, आपकी फोर्स कहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है। तो आप एक काम करो, जो आर लोगे वो एक्सिस से लिया जाता है, और कहाँ तक लिया जाता है, जहाँ आपकी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ तक लिया जाता है। तो आप आर पोजीशन यहाँ से स्टार्ट करो, ये आपका आर वेक्टर आएगा, ये आपका आर वेक्टर आएगा। तो आर वेक्टर क्या है, जहाँ पे टॉर्क निकालना है और जहाँ फोर्स अप्लाई की उनके बीच में दूरी को आर वेक्टर बोलते हैं। तो आर वेक्टर आ गया। एक काम करें, इस आर वेक्टर को थोड़ा सा और आगे ले जाएं, एक्सटेंड कर लें, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ये आपका आर वेक्टर है, ये आपका आर वेक्टर है, और इमेजिन करें आर और एफ में एंगल क्या है, थीटा। तो फिर टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर एफ साइन ऑफ थीटा, आर एफ साइन थीटा। प्रॉब्लम लेकिन ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ना तो मेरे को क्वेश्चन में आर पता था ना मेरे को थीटा पता था, खुद ही लिए बैठा हूं, मुझे सिर्फ डी पता था। तो एक काम करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ इंटू, देखो अगर ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा बोलो क्या होगा, डी बाय आर, आर से आर कैंसल, फिर वही फॉर्मूला एफ इंटू डी। आप देख रहे हो आर भी खुद लिया, थीटा भी खुद लिया, फिर एलिमिनेट कर दिया, इसकी जरूरत ही नहीं है। आज के बाद जब ये क्वेश्चन आएगा हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मेथड नंबर टू, लिखो मेथड नंबर टू। मेथड नंबर टू में ये बनाएंगे एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, ये एफ है और ये डी है, ऐसे, और ये डी है और ये ओ है। ठीक है यहाँ तक तो ये लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से पहले देख लो फिर लिख लेना।
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो यानी कि फोर्स अगर एक्स एक्सिस में है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई में निकलेगा, फोर्स के साथ डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाई में निकलेगा। देखो कैसे, अगर फोर्स यहां लग रही है तो क्यों ना ऐसा करें, थोड़ा सा फोर्स वेक्टर को पीछे एक्सटेंड कर लें और इस फोर्स वेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ के साथ, क्योंकि टॉर्क ओ पे निकालना है, एग्जैक्टली क्या आएगा डी। तो आंसर क्या आएगा, एफ इन टू डी इज द आंसर, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देगा, टॉर्क आ जाएगा। हम आज के बाद ये लगाएंगे ना पेपर में, कौन लगाएगा वो, पहले आर लो, थीटा लो, कुछ ना लो, बस एफ लो और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उसे मल्टीप्लाई कर दो। आज का लेक्चर इसी के ऊपर है, बचा हुआ लेक्चर बस कुछ नहीं करेंगे, इसको अप्लाई करके देखते हैं।